हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लैश फॉरवर्ड। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी कनाडा की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ मेरे पार्टनर से, जो कि हैं इस जर्नी के पार्टनर और मेरे लाइफ पार्टनर। हियर इज माय हस्बैंड मुताहिर। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्योंकि न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो लेट्स सी कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। होप्स हो के हर्डल्स कम होंगी और हमारे लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्पेशल साबित होगी। तो लिहाजा अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि हमारी फ़्लाइट वहाँ से ही स्टार्ट होगी। हम लोगों ने ब्रिटिश एयरवेज़ बुक करवाई थी, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वो हम आपको वक्त के साथ साथ जो है वो बताते रहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्यों इस्लामाबाद से जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये है एक लुक हमारे सामान की और नीचे खड़े हमारे फैमिली मेंबर्स की, जो कि हमें नीचे से आवाज़ें दे रहे हैं कि अब आ भी जाओ। तो अब हम निकलने लगे हैं, प्लीज़ कीप वॉचिंग अस। अच्छा जी, ये हम रुके हैं सियाल इंटरचेंज पे कुछ रिफ़्रेशमेंट करने के लिए। यहाँ पे हम पियेंगे कुछ चाय शाय और फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। अच्छा जी, अभी हम रुके हैं चक्री रेस्ट हाउस में, जहाँ पे मुझे याद आ गई बचपन के ट्रिप्स की। और एक और ट्रिप की बात, जब हम अंडर पासिस के नीचे से गुजरते थे और बसेस में जो शुगर लगता था, वो भी बहुत प्यारा टाइम था। तो अभी हम खाएंगे यहाँ से खाना। क्यों भाई, खाएं रोटी शोटी? चल भाई। सो फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी डिफरेंट है लाहौर के वेदर से। वहाँ पे गर्मी थी और यहाँ पर आते साथ ही हमें जैकेट्स निकाल के वो वेयर करनी पड़ गई हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर जो दो रूम्स बुक करवाए हैं, क्योंकि विद फैमिली आए हैं हम लोग यहाँ पर, जो होटल है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लिहाजा अब हम आपको होटल का व्यू दिखाते हैं, आपको उसकी सैर करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट।
सो गाइज, टुडे इज़ द डे वेयर वी हैव टू एम्बार्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नी ऑफ आवर लाइफ टिल डेट. अपनी फैमिली को बड़ी मुश्किल से गुड बाय करने के बाद और सारे इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद इस वक्त हम वेटिंग लाउंज में हैं और ये मेरे सामने है जी हमारा ब्रिटिश एयरवेज का जहाज़, जो कि शायद आप लोगों को ऐसे ही नज़र आ रहा हो. और अब बस हम वेट कर रहे हैं अनाउंसमेंट का. और ये इधर जो है ये देखिए ज़रा, ये तो लग रहा है बीच पे बैठे हुए हैं. तो उसके बाद साथ साथ आपको बताएंगे इसके बाद क्या हुआ. स्टे विद अस. लगता है कि यहाँ पर कोई वनडी की चीज़ मिल रही है, सारी दुनिया यहाँ पर उठ के आ गई. एनी हाउ, हमारी फ्लाइट लैंड हो गई थी हीथ्रो एयरपोर्ट पे. अब हम लोग वेट कर रहे हैं एक अनाउंसमेंट का. अनाउंसमेंट में बताया जाएगा कि आपका गेट नंबर क्या है, जिसके अंदर से हम लोगों ने चेकआउट करके वहाँ से इमिग्रेशन करके, इमिग्रेशन का प्रोसीजर कम्प्लीट करके वहाँ से प्लेन के अंदर बैठना है. तो अब हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं. और आपने देख लिया एयरपोर्ट के नज़ारे, एयरपोर्ट के मामलात मज़ीद भी आपके सामने हैं. मैं चल रहा हूँ, पीछे आवाम है कितनी. This was our traveling vlog. In short, we took a connecting flight of British Airways from Islamabad to London and then to Toronto. Kyunki British Airways ki koi bhi flight direct Lahore se nahi jati. We have a relative in Mississauga who picked us from airport and dropped at our Airbnb apartment, which is just 20 minutes away from the airport. Canada pahunch kar pehli cheez jo noticeable hai wo hai fresh air. I felt like breathing for the first time. As far as airport procedures are concerned, we went through some very simple and smooth steps. At first, you need to enter your data in kiosk machine. Basically, ये एक touch screen device होती है जिसमें आपने सबसे पहले अपना passport scan करना है, fingerprints verify करने हैं और आपकी picture होगी. फिर आपको एक रिसीट दी जाएगी जो आपने अपने सर्विसेज ऑफिसर को हैंड ओवर करनी है. वो उसे मार्क करके आपको एक सेपरेट हॉल में जाने का कहेंगे.
It's a hall designated for newcomers, that is PR holders landing for the first time. Immigration officer asked for our passport and confirmation of PR letter. She stamped and signed on both copies, kept one and returned us the other for our record. Then she asked for our address where PR card was to be sent. She noted it down. Step 2 tha social insurance number ke liye apply karna. क्योंकि सर्विस कनाडा की फैसिलिटी एयरपोर्ट पर भी अवेलेबल है, लेकिन हम सैटरडे को लैंड हुए थे इसलिए वीकेंड की वजह से वो बंद था। स्टेप 3 वाज लगेज कलेक्शन, जिसमें बस आपने एयरपोर्ट पर लगी स्क्रीन पर अपना एयरलाइन के हिसाब से बेल्ट नंबर चेक करना है और लगेज कलेक्ट कर लेना है। स्टेप 4 वाज एसेट डिक्लेरेशन विद कस्टम ऑफिसर, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। आपने ऑफिसर को बताना है कि आप कितना कैश लेके आए हैं एंड अलाउड लिमिट इज $10,000 पर पर्सन। देन यू हैव टू टेल देम इफ यू आर कैरिंग एनी वैल्यूएबल आइटम। फॉर एग्जांपल, वी वर कैरिंग गोल्ड ज्वेलरी। ज्वेलरी कैसे ला सकते हैं इस पर हम सेपरेट व्लॉग जरूर बनाएंगे। सो ओवरऑल वी डिड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी एट द एयरपोर्ट। एनीथिंग यू वांट टू डू? नथिंग मच। I can advise people with kids to come well prepared, as traveling with kids is not easy. हमने अपनी बेटी के favorite toys, new toys, coloring books, puzzles, snacks, सब कुछ carry किया था, and they helped us a lot. Definitely. This is all from our side today. Don't forget to like and subscribe our channel because it's just the beginning. Stay tuned. Bye-bye. Bye bye.